Welcome to Michael Oron pre-primary section. So today I am going to teach you story, okay? So the story name is The Greedy Dog. Story name is what? The Greedy Dog, okay? Now what is mean by greedy? Greedy means lalchi, okay? जो लालची होते हैं बहुत, उसे क्या कहते हैं? Greedy. So the greedy dog, okay? कौन है लालची? एक डॉगी है. सो अ ग्रीडी डॉग. ओके. देयर वॉज अ डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री. देखो देयर वॉज अ डॉग. देखो सी ओवर हियर, सी द पिक्चर ओवर हियर. दिस इज द डॉग, राइट? सो देयर वॉज अ डॉग, एक डॉग था दैट वॉज वेरी हंग्री. वो क्या था? बहुत हंग्री था. हंग्री था मीन्स बहुत भूखा था. ओके. उसे बहुत भूख लगी थी. सो देयर वॉज अ डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री. He searched for food everywhere. देखो वो बहुत हंग्री था, उसे बहुत भूख लगी थी, राइट? सो इसीलिए वो क्या कर रहा था? हर जगह सर्च कर रहा था. किसकी सर्च कर रहा था? फूड की सर्च कर रहा था, खाने की सर्च कर रहा था. एवरीवेयर मीन्स हर जगह वो खाना सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था. एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन. और एंड एट लास्ट मीन्स आखिरकार उसे क्या मिला? एक बोन मिल गई, एक हड्डी उसे मिल गई. ओके. ही पिक्ड द बोन विथ हिज माउथ एंड स्टार्टेड गोइंग बैक टू हिज होम. तो देखो उसने क्या किया, वो डॉगी ने वो जो बोन थी उसे पिक किया. किससे पिक किया? अपने माउथ से पिक किया. अपने माउथ से, अपने मुंह से उसने क्या किया? वो जो बोन थी, वो जो हड्डी थी, उसने उसे उठा लिया. ओके. एंड स्टार्ट गोइंग बैक टू हिज होम. और फिर उसने वो बोन को मुंह में लेकर अपने घर पे वापस जाने लगा. देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम. नाउ सी द पिक्चर ओवर हियर. देखो जब उसे वो बोन फाउंड हुई तो वो जब जा रहा था तो उसके रास्ते में क्या था? एक ब्रिज था. ओके. सो वो ब्रिज पे, देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम मीन्स जब वो घर जा रहा था तो वो ऑन द वे में क्या था? एक रास्ते में एक ब्रिज था. ओके. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. Now see, when he started crossing it, मतलब जब वो डॉगी वो ब्रिज को जब क्रॉस कर रहा था, जैसे उसने क्रॉसिंग स्टार्ट किया, he saw his reflection in the waters. तो उसे अपना क्या दिखा? वो ब्रिज के नीचे जो पानी था उसमें उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखा, उसे अपनी परछाई दिखी. ओके. The dog thought that there was another dog with a bone in the water. So see, ये जो dog था उसे क्या लगा, उसे क्या thought आया, उसने क्या सोचा कि वो जो नीचे जो reflection दिख रहा था उसे खुद का ही, so उसने सोचा कि वो जो reflection है वो कौन है? वो एक another dog है, एक दूसरा dog है. With a bone in the water means उसके भी पास में क्या है? Bone है, हड्डी है. और वो कहाँ है? वो water में है. Okay. He wanted to get that other bone too. Now see, वो जो dog था उसको वो bone भी क्या चाहिए, मतलब वो जो bone थी उसे वो वाली bone भी चाहिए थी. Okay. मतलब उसके पास तो एक bone थी, right? लेकिन उसे और एक एक bone जो उसे अपने ही reflection में दिख रही थी, उसे वो bone भी वापस और एक एक चाहिए थी. So he started barking at his own reflection. So what he has done? उसने क्या किया? उसने अपने ही ओन रिफ्लेक्शन पे, खुद के ही रिफ्लेक्शन पे बाग करने लगा, भौंकने लगा. ओके. हिज बोन फेल इन वाटर एज सून एज ही ओपन हिज माउथ. नाउ सी, व्हेन ही बागड, जब वो जो डॉगी था वो बाग करने लगा, तब क्या हुआ? जैसे ही उसने अपना माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह ओपन किया, वैसी जो उसके मुंह में बोन थी वो क्या हो गई? फेल हो गई, वो गिर गई.
कहाँ गिरी वो, वाटर में गिरी, राइट। द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज बोन, सो इसलिए वो जो ग्रीडी डॉग था उसने वो अपनी बोन भी क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, उससे अपनी वो जो बोन थी वो भी चली गई, मतलब उसने वो बोन भी खो दिया। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी, सो ये स्टोरी का क्या मॉरल है, डोंट बी ग्रीडी, मीन्स हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें लालची लालच नहीं करने चाहिए, ओके। सो आपको ये स्टोरी समझी स्टूडेंट्स, द ग्रीडी डॉग, क्या थी स्टोरी का नाम, द ग्रीडी डॉग, मीन्स एक लालची डॉगी, राइट। देयर वॉज अ डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री, एक डॉग था जो क्या था, बहुत हंग्री था, बहुत भूखा था, राइट। ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर, सो इसलिए वो क्या कर रहा था, सब जगह पर, एवरीवेयर, सब जगह वो क्या कर रहा था, फूड को सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, और फिर उसे क्या हुआ, एट लास्ट उसको क्या मिल गई, वहां पे एक बोन मिल गई, एक मिल गई, राइट। ही पिक्ड द बोन विथ हिज माउथ एंड स्टार्टेड गोइंग बैक टू हिज होम, सो वॉट ही हैज डन, उसने क्या किया, वो जो बोन थी उसे जो फाइनली एक बोन मिल गई थी, वो बहुत हंग्री था, राइट, बहुत भूखा था, तो उसने क्या किया, वो जो बोन उसे मिली उसने अपने माउथ में, अपने मुंह में उसे पकड़ा और वो वापस से अपने घर पे जाने लगा। देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम, सो जब वो जा रहा था तो उसके ऑन द वे में, मीन्स घर के रास्ते में उसे एक ब्रिज पड़ता था, ओके, राइट, मतलब वो जब ऑन द वे था होम के लिए तो वहाँ जाने के लिए एक ब्रिज था। When he started crossing it, he saw his own reflection in the water. So when he started crossing means जब वो वहाँ पे जाने लगा तो उसे उसका खुद का reflection वो water में दिखा, पानी में दिखने लगा। The dog thought that there was another dog with a bone in the water. So what the dog thought? तो वो जो doggy था उसने क्या सोचा कि और एक another dog कहाँ है अंदर water में, एक और एक dog है, okay? He wanted to get that another bone too. So what he has decided के मेरे पास जो एक bone तो है लेकिन जो water में जो पानी में reflection आ रहा है दूसरे doggy का, मैं क्या करूँगा उसकी भी जो bone है वो ले लूँगा, उससे भी वो bone ले लूँगा। So he started barking at his own reflection. So इसलिए उसने क्या किया, खुद के ही reflection पे, खुद की परछाई पे वो bark करने लगा, भौंकने लगा। His bone fell into water as soon as he opened his mouth. So उसकी जो bone थी वो गिर गई पानी में, जैसे ही उसने क्या किया, जैसे ही वो भौंकने गया तो उसकी जो bone थी वो गिर गई पानी में। The greedy dog lost his bone. उसकी वजह से वो जो लालची डॉगी था उसने वो bone को lost कर दिया। Now moral of the story है, story का moral क्या है, Don't be greedy. कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।